हेलो गाइस, तो सभी का स्वागत है एबीगेट फैमिली में। आज की जो अपनी क्लास है वो है फिलेट और शामफर के बारे में। अपने पिछली क्लासेस में एलिप्स तक पढ़ा था, उसके बाद अभी जो ले रहा हूँ तो फिलेट और शामफर दिखाने के लिए एक बार मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, और थोड़ी लाइंस क्रिएट कर देते हैं इसमें। ओके, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन, एस्केप, यहाँ से एक और लाइन। ओके, तो अब अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है स्केच फिलेट। ठीक है, तो ये वाला फिलेट अपन यूज करते हैं यहाँ से। इसके नीचे देखिए, इस एरो पे जाएंगे तो नीचे वाला स्केच यहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहले अपन स्केच फिलेट देखते हैं। ठीक है, एंटिटीज टू फिलेट पूछ रहा है कहाँ पर अपन को फिलेट चाहिए। जैसे कि मुझे इस कॉर्नर में चाहिए फिलेट, तो मैं देखिए इस कॉर्नर पर क्लिक करूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो है वो रेडियस है, इसे अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अभी 10 है तो मैं अभी 12 एंटर करूँगा तो 12 रेडियस का एक फिलेट रेडी हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर आप चाहिए तो मुझे ये जगह नहीं चाहिए, तो यहाँ पर राइट क्लिक करिए और क्लियर सिलेक्शन करिए और न्यू जो प्लेसेस हैं वहाँ पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर ओके करता हूँ, तो देखिए ये वाला जो फिलेट है वो आ चुका है। ठीक है, तो फिलेट के लिए बस यहाँ पर रेडियस जितना है उतना बदल सकते हैं अपन। ठीक है, वापस एक और बार मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, सिर्फ कॉर्नर पर सेलेक्ट किया है, दोनों लाइन सेलेक्ट नहीं किए, कॉर्नर पर सेलेक्ट किया है जहाँ भी अपन को चाहिए, और यहाँ पर रेडियस बदल सकते हैं और इसको ओके कर देंगे। तो फिलेट ऑप्शन इतना ही है। ठीक है, अब जो है चैम्फर, चैम्फर क्या है? मुझे जैसे कि एक स्मूथ कर्व मिला है रेडियस, ऐसे ही चैम्फर में एक इस टाइप की एक कटिंग मिलेगी आपको। ठीक है, इसमें दो ऑप्शंस हैं, एंगल डिस्टेंस और डिस्टेंस डिस्टेंस। ओके, सबसे पहले मैं एंगल डिस्टेंस पे क्लिक करता हूँ। देखिए इसमें एक डिस्टेंस है और एक एंगल है। ठीक है, मैं इस कॉर्नर पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए क्या हुआ, एक यहाँ से यहाँ तक 10 डिस्टेंस और ये 45 एंगल पर कटिंग मिली है। ठीक है, अब देखिए एंगल डिस्टेंस हो गया, यहाँ पर मैं डिस्टेंस एंड डिस्टेंस देखते हैं। ठीक है, डिस्टेंस डिस्टेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं पहले इक्वल डिस्टेंस ओके कर देता हूँ, तो क्या है सिर्फ एक डिस्टेंस पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर 10 और यहाँ पर एंटर करूँगा, तो देखिए यहाँ से 10 डिस्टेंस और यहाँ से 10 डिस्टेंस की दूरी कटिंग मिली है। ठीक है, अब मैं ये इक्वल डिस्टेंस को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर दो डिस्टेंस पूछ रही है, मैं यहाँ पर एक को 20 और यहाँ पर एक को 10 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ से 20 और यहाँ पर 10 की कटिंग मुझे मिल गई है। ठीक है, चाहिए तो आप अंडू भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अंडू करने पर ये जो पिछली बार जो भी किया था वो पीछे चला जाएगा। ठीक है, सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियोस अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और क्लासेस में बने रहिएगा क्योंकि अगली जो आने वाली क्लासेस है बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।